हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर इंडिया सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रिगनाड रिएजेंट सो ग्रिगनाड रिएजेंट सो ग्रिगनाड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिकल रिएजेंट ऑर्गेनोमेटलिक एज अ नेम सजेस्ट जैसे नेम से ही पता चलता है कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है ये एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है तो इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा एक मेटलिक कंपाउंड होगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक मेटेलिक कंपाउंड जैसे कि जो ग्रिगनाड रिएजेंट होता है वो होता है आर एम जी एक्स तो जो आर होता है वो अल्काइल ग्रुप है तो ये क्या है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एम जी जो है वो एक मेटल है तो ये मेटली कंपाउंड है ये मेटलिक कंपाउंड है तो इसलिए इसको ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड बोलते हैं तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनाड रिएजेंट उसके बाद पढ़ेंगे आ, उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन ऑफ ग्रिगनाड रिएजेंट विथ एस और देन हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ ग्रिगनाड रिएजेंट विथ डी टू ओ डी होता हैवी वाटर तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनाड रिएजेंट तो प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनाड रिएजेंट के लिए ये हमने अल्काइल हलाइड ले लिया अल्काइल अलकाइल का हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया ड्राई थर के प्रेजेंस में इसका रिएक्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे सिंपल कुछ नहीं करना इसमें हमें ये जो ग्रुप है हेलोजन ग्रुप जो हलाइड ग्रुप है इसके बीच में हमें मैग्नीशियम रख देना है अल्काइल और हलाइड दोनों के बीच में मैग्नीशियम को रख देना है तो आर एम जी एक्स तो ये हमारा ऐसे में हमारा ग्रिगनाइड्रेजेंट बनेगा तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ग्रिगनाइड्रेजेंट कैसे तो ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे तो अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मिथाइल क्लोराइड है। तो मिथाइल क्लोराइड का हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया ड्राई थर के प्रेजेंस में तो ड्राई थर के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाया तो सी एस थ्री हमने मैंने आपको पहले बताया है कि सी एल अलकाइल और हेलाइड ग्रुप के बीच में आपको एम को लगा देना ये ट्रिक है आपको सिंपली समझ में आ जाएगा तो सी एच थ्री और सी एल एस एज इट इज लिख दिया जैसे यहां लिखा हुआ था बीच में आपको क्या करना है MG लिख देना है बस ऐसा कुछ नहीं ठीक है सेकेंड एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एल लगा हुआ है तो ये क्या है प्रोपाइल क्लोराइड है प्रोपाइल क्लोराइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया ड्राई थ्री के प्रेजेंस में सी एच थ्री सी एच ग्रुप यहां लगा हुआ है तो ग्रुप से पहले मैग्नीशियम मैंने बताया आपको ग्रुप से पहले मैग्नीशियम लगाना है तो ग्रुप यहां लगा हुआ है सीएल तो ग्रुप से पहले हमने मैग्नीशियम लगा दिया थर्ड एग्जाम्पल है थर्ड एग्जाम्पल है हमारा स्ट्रक्चर है इस पर ब्रोमीन दे रखा है प्लस एमजी के साथ रिएक्ट करवाना है ड्राई थ्री के प्रेजेंस में तो ड्राई ड्राइ के प्रेजेंस में करवाना है तो सेम हमें ऐसे उतारना है बी लिखना है और हलाइड ग्रुप भी यार है ब्रो, ब्रोमाइड ग्रुप है ना तो हलाइड ग्रुप है तो इससे पहले हमको एम लगा देना है ठीक है फोर्थ एग्जाम्पल पे चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन तो क्लोरोबेंजीन का हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे ड्राईथर के प्रेजेंस में तो सेम स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेना है इससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा और ये कोई डिफिकल्ट इतना कोई खास रिएक्शन नहीं है सी बस आपको ग्रुप से पहले एम लगा देना है बन गया ये ये बन गया फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड तो हमारा फिफ्थ एग्जांपल है फिफ्थ एग्जांपल में हमें प्रोडक्ट दे रखा है हमें रिएक्टेंट ए जो है इसके प्लेस पे कोई रिएक्टेंट फाइंड करना है तो ये भी है एमजी एम जी है और ड्राई थर के प्रेजेंस में रिएक्शन है तो ड्राई थर के प्रेजेंस तो इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना आपको रिएक्टेंट निकालने के लिए सीधे क्या करना है खाली इसमें से एम हटा देना है बाकी पूरा होल का होल प्रोडक्ट ऐसे यहाँ लिख देना है ए की वैल्यू लिख रहा हूं मैं सी एस थ्री सी टू बी आर सिर्फ हमने क्या किया एम जी निकाल दिया एम जी क्यों निकाल दिया क्योंकि अगर यहाँ पे एम जी है ये एम जी से रिएक्ट रिएक्ट होने के बाद आया है हमारा एम जी बी आर तो ये पहले क्या होगा सिर्फ बी आर होगा ना तभी यहाँ पे बी आर आया तो वैसे सिक्स एग्जांपल है सिक्स एग्जांपल में भी आपको ऐसे करना है ए फाइंड करना है प्रोडक्ट आपको गिवन है तो सी एच थ्री सी एच CS3. क्या करना है आपको यहां पे एम जी हटा के सिर्फ बी आर लिखना है तो यह आपकी इसकी ए की वैल्यू ओके स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट अब हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन ऑफ ग्रिगनाड्रेजेंट विथ एच टू एस टू के साथ रिएजेंट हमने प्रिपेयर कर लिया है उसका रिएक्शन हम करवा के देखेंगे एस टू के साथ एस टू मतलब वाटर तो यहां पे आर एम जी एक्स ये क्या है अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड है है इसका हमने वाटर वाटर के 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 साथ lotta, तो के साथ रिएक्ट रिएक्ट कराया तो करवाने लिए आपको और कुछ नहीं करना इसको आपको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं क्या एच और ओ एच OH. ऐसे लिख सकते हैं ऑफकोर्स लिख सकते हैं तो आर के आर पे कौन सा चार्ज होता है आर पे पार्शली नेगेटिव होता है एम जी एक्स पे पार्शली पॉजिटिव पौली होता है एच पे कौन सा होता है एच पे पार्शली पॉजिटिव होता है ओ एच पे पार्शली नेगेटिव होता है तो बस आपको और कुछ नहीं करना नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपने साथ ले जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अपने साथ ले जाएगा तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपने साथ ले गया तो क्या बन गया आर एच नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपने साथ ले गया तो आर एच बन गया प्लस और जो बचा और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अपने साथ ले जाएगा बचेगा क्योंकि बचे तो यही एमजी एक्स और ओएच तो इसको हम लिख देंगे एमजी ओएच एक्स बस इसको मैंने क्या किया बीच में इसको लिख दिया को लास्ट में लिख दिया और कुछ नहीं और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा है कि इसको इसको आप R, M, G, X. आपने ऐसे लिख दिया वॉटर को ऐसे लिख सकते हैं वाटर और आर एम जी एक्स को ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं इसको आप बीच में से सिमेट्रिकली कट करो लेफ्ट हैंड साइड वाले को एक तरफ लिख दो राइट हैंड साइड वाले को एक तरफ लिख दो लेफ्ट हैंड साइड वाला आर एच लिख दिया एक साथ और राइट हैंड साइड वाले को एम जी एक्स ओ एच लिख दिया एक साथ फिर भी समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है कि सीधे जहां से एम जी एक्स है ये जो वाटर होता है वो एम जी एक्स का इतना बड़ा दुश्मन होता है कि इसे अपने एक हाइड्रोजन को एम जी एक्स के जगह शिफ्ट कर देता है तो इसने क्या किया है वही किया है अपने एक हाइड्रोजन को इसने आर एच एम जी एक्स के जगह यहाँ पे शिफ्ट किया है और बाकी ओ एच लेके एक एम जी एक्स के साथ लगा दिया है तो आपको जो उनसे तरीके से समझ में आए उस तरीके से आप कर सकते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं वैसे करते हैं हमने क्या किया सी एच थ्री सी एच थ्री एम जी सी एल के जगह इसने अपना एक हाइड्रोजन शिफ्ट कर दिया एक हाइड्रोजन शिफ्ट कर दिया तो यहाँ एच हो गया तो सी थ्री और प्लस वन एच तो ये क्या हो गया ये हो जाएगा सी एच फोर वैसे ये प्रोडक्ट बनेगा सी एच फोर मेनली और प्लस में बन जाएगा हमारा एम जी ओ एच सी एल माइनर प्रोडक्ट ये बन जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके देखते हैं सी CH थ्री सी एच सी थ्री क्या किया इसने H2O टू ने एम जी सी एल के जगह अपना एक हाइड्रोजन शिफ्ट किया रिप्लेस किया तो यहाँ पे एक एच आ गया तो यहाँ पे एक एच बन गया तो ये सी टू हो गया अपने आप सी एच टू हो गया सी एच टू शो करते हैं प्लस एम जी ओ एच सी एल तो थर्ड एग्जाम्पल है इसमें स्ट्रक्चर के ऊपर एम जी सी एल और ड्राई था वो सॉरी कट कर दोबारा Two, three, uh, तो थर्ड थर्ड एग्जांपल है स्ट्रक्चर के ऊपर है और वॉटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो वॉटर के साथ रिएक्शन तो मैंने आपको पहले बताया है को वाटर का एक हाइड्रोजन बिकॉज वाटर में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन होता है तो वॉटर का एक हाइड्रोजन MgCl को रिप्लेस कर देता है तो MgCl को रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे इसका एक हाइड्रोजन आ जाएगा कुछ इस तरह आएगा ऐसे आ जाएगा तो आ, जैसे आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन को ऐसे शो नहीं करते हैं तो इसको नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है एक हाइड्रोजन को अकेला शो नहीं किया जाता है ऊपर वैसे आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है पर इसको आप ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ऐसे लिख सकते हैं ठीक है फोर्थ एग्जाम्पल है इसमें आपको ब्रोमोबैंजिन दे रखा है एम है ड्राई थर की प्रेजेंस में है रिएक्शन इसमें आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले और ये बी की वैल्यू कर लेते हैं तो ठीक है ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये ब्रोमीन लगा हुआ है रिंग के ऊपर एम जी और ड्राइथ के प्रेजेंस में है तो ये क्या यहाँ पे क्या हो रही है मैग्नीशियम हलाइड की प्रिपरेशन हो रही है अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड की प्रिपरेशन हो रही है तो प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप से पहले एम लगा देते हैं सीधे और कुछ नहीं करना है लिखा बिहार फंक्शनल ग्रुप से पहले ठीक पहले एम लगा देना है तो ये गया, आ गया आपका फर्स्ट ये वैल्यू है फिर उसी को अगर वाटर के साथ तो ये हमने पढ़ाया तो वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने के लिए ए अगर हमारा एम जी आ गया ऊपर तो एम जी को वाटर का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा तो वाटर का एक हाइड्रोजन एम जी को रिप्लेस करेगा तो इसके जगह ये स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे इसको ऐसे शो नहीं करते या कर भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है पर इसको आप ऐसे शो कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है ये ऐसे क्यों करता ज्यादा इसको ऐसे कर लिया करना धीरे-धीरे जैसे एक लाइन खत्म हो ठीक है तो पहले हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट फिर पढ़ा हमने रिएक्शन ऑफ ग्रिगनाड्रीजेंट विथ एच टू ओ अब पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ ग्रिगनाड्रीजेंट विथ डी टू ओ ये डी टू ओ के साथ जो इसका रिएक्शन होता है वो ना तो पेपर में पूछता है और ना कैसे जरूरत है पर फिर भी आपकी नॉलेज इन्हेंस करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ डी टू ओ डी टू ओ हैवी वाटर को डी टू ओ बोलते हैं जिसको सेम वाटर की तरह इसका रिएक्शन होगा और कुछ नहीं करना है आर एम जी एक्स को डी टू ओ के साथ करवाया तो इसको करवाने के बाद आपको क्या करना है आर और प्लस एम जी ओ डी एक्स लिखना है अब यहां पे D क्यों आया क्योंकि जैसे कि अगर आप H2O को H2O को HOH लिख सकते हैं तो D2O को भी तो D और OD लिख सकते हैं तो वैसे इसने किया है कि आर डी प्लस एम जी ओ डी एक्स तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका सी एस थ्री सी एच सी थ्री एम जी आई डी टू ओ डी टू ओ क्या है एम जी आई को अपने एक डी से रिप्लेस कर देगा जैसे इसमें वॉटर वाले में हाइड्रोजन से रिप्लेस कर रहा था तो वैसे इसमें डी से रिप्लेस कर दे कर देगा तो ये सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री और डी डी D, D से रिप्लेस कर दिया इसमें ठीक है सेकेंड एग्जाम्पल है आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है और सी एच थ्री सी एच सी थ्री पे डी दिया हुआ है तो ए और बी की वैल्यू निकालते हैं पहले बी की वैल्यू निकालते हैं तो बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है सी एच थ्री सी एच ch3 तो इसमें पे आपको पता होगा कि जो d होता है d2o होता है वो किसको अपने एक d d से रिप्लेस करता है वो मैग्नीशियम हैलाइड ग्रुप को करता है तो mgx लगा दे क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा ग्रुप लगा है तो हमने x को इसको डिनोट कर दिया हैलाइड ग्रुप को तो मैग्नीशियम हैलाइड से और मैग्नीशियम हैलाइड ये आपकी b आ गया b आ गया है आपका फिर a अब a के लिए ch3 ch ch3 मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया जब तब जाके हमारा बी की वैल्यू एम जी एक्स आया है मैग्नीशियम तो बाद में लगा है ना तो पहले क्या होगा पहले सिर्फ एक्स होगा बिकॉज सी एच सी एक्स है मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया एक्स ने एम जी के साथ रिएक्ट किया तब जाके हमारा एम जी एक्स आया और फिर एम जी एक्स को डी टू के साथ रिएक्ट करवाने के बाद डी टूओ ने अपने एक डी से एम जी एक्स को रिप्लेस किया तब जाके डी आया तो ये आपका हो गया ए और ये हो गया आपका B, तो ये आ गई ए की वैल्यू ये आ गई b की वैल्यू तो स्टूडेंट्स अभी आपने सीखा कि ग्रिगनाड रिएजेंट की प्रिपरेशन कैसे करें, फिर आपने सीखा कि ग्रिगनाड रिएजेंट का एस टू के साथ कैसे रिएक्ट करवाए फिर उसके बाद हमने सीखा कि ग्रिगनाड रिएजेंट का डी टू ओ के साथ कैसे रिएक्शन करवाए तो ग्रिगनाड रिएजेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है वैसे नॉर्मली दो मार्क्स टू मार्क्स में आ जाता है ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है तो इसको हम पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन है कि वाई ग्रिगनाड रिएजेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड अंडर हाइड्रस कंडीशन ग्रिगनाड रिएजेंट हाइड्रस कंडीशन में क्यों नहीं प्रिपेयर किया जाता तो पर देखते हैं द ग्रिगनाड रिएजेंट शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड अंडर हाइड्रस कंडीशन बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अल्केन इज फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड ग्रिगनाड रिएजेंट को हाइड्रस कंडीशन हाइड्रस कंडीशन क्या होता है हाइड्रस कंडीशन होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर जहां पे वाटर की प्रेजेंस हो तो प्रेजेंस ऑफ वाटर में ग्रिगनाड रिएजेंट को इसलिए प्रिपेयर नहीं करते हैं क्योंकि अगर ग्रिगनाड रेजेंट को वाटर के प्रेजेंस में प्रिपेयर करेंगे तो अलकाइल मैग्नीशियम हलाइड की जगह अल्केन फॉर्म हो जाएगा कैसे होगा इस देखिए मैंने आपको पहले बताया था ये ग्रिगनाड्र रे, रिएजेंट ये है अगर इसको एस के साथ रिएक्ट करवाया वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया रिएजेंट को तो ये हमारा अल्केन फॉर्म होता है लेकिन हमें चाहिए क्या था अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड इसीलिए कभी भी अल्का अल्काइल हलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवा अगर अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड चाहिए तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाना है ना कि वाटर के साथ अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो आपका अल्केन फॉर्म होगा अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड नहीं है तो ये क्या है गलत है ये आपका सही है ठीक है तो ओके स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो